हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम देखा था, मेमोरी स्टोरेज देखा था कंप्यूटर सिस्टम में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन पे। तो इसमें मैं आपको कंप्यूटर का कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर के टाइप्स 5 टाइप्स के होते हैं। कौन से? जो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है वो 5 तरीके से होता है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ये 5 तरीके से कंप्यूटर क्लासिफिकेशन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल भी हम कंप्यूटर क्लासिफाई करते हैं अगेन 3 में। कौन कौन से में? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में हम करते हैं कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। और ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड पे हम करते हैं आईबीएम पीसी, आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल पे हम करते हैं XT एंड 80। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पे करते हैं हम जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम एक एक करके किन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। तो उससे हमारे पास 3 कंप्यूटर आते हैं। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये किस पे वर्क करता है? ये मीजरमेंट पे वर्क करता है। ये क्या करता है? मीजर करता है। वर्क ऑन मीजरमेंट लाइक वोल्टेज, टेम्परेचर, करंट एक्सेट्रा। ये किस पे वर्क करता है? मीजरमेंट पे वर्क करता है, मीजर करता है। किस किस को? वोल्टेज को, करंट को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, इन सबको क्या करता है? ये मीजर करता है। पावरफुल टूल है टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनको भी क्या करता है? ये सॉल्व कर सकता है। तीसरा, रिप्रेजेंट डेटा इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनमें क्या करता है? ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? ये क्या है? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इनमें क्या करता है? डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, टेलीफोन लाइन, स्पीडोमीटर, जो भी ये सारे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है बाइनरी डिजिट में, मतलब 0 और 1 में। बाइनरी डिजिट 2 होती है, 0 और 1। तो ये डेटा को किसमें प्रोसेस करता है? बाइनरी डिजिट में। और नेम से भी स्पेसिफाई है, डिजिटल है, मतलब इसकी वेव फॉर्म कैसी है? ये क्या है? डिजिटल सिग्नल है। ऑपरेट मोर एक्यूरेसी एंड फास्टर देन एनालॉग। ये क्या है? मोर एक्यूरेट है और फास्टर है किससे? एनालॉग से। ये क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर में आता है ये डिजिटल कंप्यूटर। और क्या और ये क्या लेता है? डिस्क्रीट डेटा लेता है, मतलब कि डिफरेंट डेटा लेता है, डिफरेंशियल डेटा लेता है, लाइक लेटर्स, नंबर, सिंबल्स एक्सेट्रा। कौन कौन से? लेटर, नंबर, सिंबल्स, ये सारे ये क्या लेता है? इनपुट में ले देता है। तो ये था हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब हम आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये कैपेबल होता है प्रोसेसिंग बोथ एनालॉग और सिग्नल। दोनों एनालॉग और सिग्नल डेटा को क्या करता है? इजीली प्रोसेस कर लेता है। और ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर वो एक्सेप्ट क्या करता है? एनालॉग फॉर्म में इनपुट एक्सेप्ट कर लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें एनालॉग और डिजिटल दोनों में दे सकता है। तो यही इसकी खासियत है हाइब्रिड की, कि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों पे वर्क कर लेता है। और इसका एग्जांपल क्या है? ईसीजी, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। डिफरेंस देखेंगे हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पे। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर पे हम क्या देखेंगे? आप डिफरेंस देखेंगे। ये क्या होता है? बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डेटा और इसमें बेस्ड ऑन डिस्क्रीट डेटा। ये कंटिन्यूअस डेटा पे वर्क करता है और ये डिस्क्रीट डेटा पे वर्क करता है। ये क्या मीजर करता है? फिजिकल वैल्यूज, जैसे करंट, वोल्टेज, स्पीड। और ये क्या करता है? ये मीजर करता है बाइनरी वैल्यूज, बाइनरी डिजिट, जैसे 0 और 1। इसकी एक्यूरेसी बहुत लो होती है, इसकी हाई एक्यूरेसी होती है। ये स्लोअर होता है देन डिजिटल और ये फास्टर होता है। यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, हम एनालॉग को स्पेसिफिक पर्पस से यूज करते हैं और हम डिजिटल को जनरल पर्पस से यूज करते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है, इसी वीडियो में बताऊंगी। तो अभी तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अब हम दूसरे पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसपे हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। किसमें? डेटा स्टोरेज में, परफॉर्मेंस में और डेटा प्रोसेसिंग में। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। इसकी परफॉर्मेंस ऑफ SC, SC मतलब सुपर कंप्यूटर, इज मीजर्ड इन फ्लॉप्स। किसमें इसकी परफॉर्मेंस मीजर होती है? फ्लॉप में। फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ MIPS। MIPS क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये किसमें वैल्यू करता है? अपनी फ्लॉप्स में करता है, बजाय की MIPS में करने के। ये किसमें परफॉर्मेंस मीजर करता है? फ्लॉप्स में। कंसिस्ट ऑफ टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर। एक सुपर कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं। विच टेक बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एप्लीकेशन, जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस एप्लीकेशन एक बार में चला सकता है। वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सनवे ताहू लाइट। ये किसने बनाया है? चाइना का कंप्यूटर है, जिसको किसने डेवलप किया? NRCPC। इसने क्या किया है? डेवलप किया है। इसकी क्या हाई परफॉर्मेंस? लिनपैक HPL कितनी है? 93.0
पेटा फ्लॉप्स, पेटा मतलब 5-5 फ्लॉप्स, इतनी क्या है इसकी परफॉर्मेंस है सुपर कंप्यूटर की, जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया अब तक का सबसे वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर सनवे ताहियो लाइट। ओके अब हम आते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर पे। मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये नोन फॉर देयर लार्जर साइज अमाउंट ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर, जो इसका साइज अब बहुत लार्ज है, स्टोरेज भी अच्छी है और प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी है, पर सुपर कंप्यूटर से कम है। डिजाइन टू हैंडल हाई वॉल्यूम, डिजाइन टू हैंडल हाई वॉल्यूम इनपुट एंड आउटपुट, ये किस लिए डिजाइन हुआ है कि जो इनपुट और आउटपुट है बहुत हाई अमाउंट में उसको इजिली हैंडल कर सके। यूज्ड इन बिग बिजनेस बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, रेलवे टू स्टोर डाटा, मेनली ये डेटा को स्टोर करने का काम आता है कहां का, बिग बिजनेसेस में, इंश्योरेंस कंपनीज में, रेलवेज पे। अब सिंगल एमएफसी, एमएफसी मतलब मिनी फ्रेम कंप्यूटर, रिप्लेस डजन्स और थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सर्वर। एक मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्या है, डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल सर्वर्स का कलेक्शन है। अब हम आते हैं मिनी कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, ये लो है मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स पे। तो मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, यूज फॉर स्मॉल बिजनेस हाउसेस, स्मॉल बिजनेस के लिए काम आता है, नॉट मच पावरफुल देन एससी सुपर कंप्यूटर एंड एमएफसी मिनी फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, यूजेस अ सिंगल यूजर एंड अ मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट ऑल्सो, इसको क्या सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ही एक ग्रुप में, एक छोटे ग्रुप में यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल K202 एंड STS92। ये क्या मिनी फ्रेम कंप्यूटर, ये लेस पावरफुल है मिनी फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर से। अब हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर जैसे क्या होता है, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, इन ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, चीपेस्ट होते हैं, सस्ते होते हैं, जनरल पर्पज के लिए काम आते हैं। जनरल पर्पज कंप्यूटर ये मैं बताऊंगी जनरल पर्पज स्पेशल पर्पज कौन से होते हैं इसी वीडियो में। सीपीयू एज अ माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का लेते हैं, एक सीपीयू लेते हैं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, ब्रांड के बेसिस पे, तो क्या होती है आईबीएम पीसी एंड IBM कंपेटेबल कंप्यूटर। IBPC फर्स्ट पॉपुलर कमर्शियल पीसी है, जो कि किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था, IBM कॉर्पोरेशन ने, IBM पीसी। ठीक है, IBM तो नाम सुना होगा, IBM पीसी है जो फर्स्ट कमर्शियल पीसी है और किसने बनाया था, IBM कॉर्पोरेशन ने। ये क्या यूज होता है, एज अ पर्सनल पीसी यूज होता है जो आप भी कर रहे हैं। अब IBM कंपेटेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं, ये 1980s में बने थे और ये किससे सिमिलर है, IBM पीसी से XT&AT। XT&AT भी एक टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, इनको अभी देखेंगे, इसके नेक्स्ट में यही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड हमने देख लिया IBM पीसी और IBM कंपेटेबल कंप्यूटर, ये दो क्या थे, बेसिस ऑफ ब्रांड पे। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल, कौन कौन से, XT&AT। XT में कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, 8080, 8086 और 8088, ये माइक्रो प्रोसेसर किसमें यूज होते हैं, XT में। और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी होती है, 4.77 मेगाहर्ट्ज। ओके, 80 क्या है, यूजेस 8, ये कौन से माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है, 80, 80286, 80386 और 80486 सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ये क्या करता है, यूज करता है 80। फास्ट इन प्रोसेसिंग है, मतलब कि मोर देन 2 गीगाहर्ट्ज की क्या है इसके पास प्रोसेसिंग स्पीड है इसकी, और इसकी कितनी है 4.77 मेगाहर्ट्ज और इसकी कितनी है 2 गीगाहर्ट्ज। ओके, इसमें माइक्रो प्रोसेसर ये याद कर लेना, ये 3 माइक्रो प्रोसेसर है जो इसमें यूज होते हैं 80 में, और ये 3 माइक्रो प्रोसेसर जो किसमें यूज होते हैं, XT में। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पे, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं, हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ये करते हैं गिव द एप्रोप्रिएट एप्स एंड रिक्वायर्ड टाइम टू परफॉर्म कंप्यूटिंग टास्क, ये क्या करते हैं, कोई भी आपको टास्क परफॉर्म करना है तो एक एप्रोप्रिएट आपको ऐप देते हैं और टाइम देते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यूज फॉर डिफरेंट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट फंक्शन, हर प्रोग्राम के लिए हर फंक्शन अलग अलग होता है इनमें, जबकि इनमें क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, डिजाइन टू डू वन एंड ओनली वन टास्क, ये एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं बट ये मल्टीपल कर सकते हैं। डिजाइन फॉर फंक्शन ओनली, किसके बने होते हैं, सिर्फ फंक्शन के लिए, जबकि ये हर प्रोग्राम के लिए हर एक फंक्शन बना होता है जनरल पर्पज में। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, PDAs, मोबाइल फोन, पाम टॉप, लैपटॉप, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल पे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे, सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड पे, IBM पीसी, IBM कंपेटेबल कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल पे, XT&AT। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पे, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। एनालॉग में हमने देखा था, जो कि एनालॉग वर्क करता है, मतलब कि मीजर करता है टेम्परेचर, वोल्टेज, इनको। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी डिजिट्स को कैलकुलेट करता है, मतलब बाइनरी डिजिट में डेटा को प्रोसेस करता है, जीरो और वन की फॉर्म में, लेटर्स, नंबर, सिंबल्स, ये सब क्या होते हैं, डिस्क्रीट डेटा को लेता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के आंसर होते हैं, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस कर सकते हैं, दोनों कैपेबल है दोनों को प्रोसेस करने के।
इनके बीच में डिफरेंस देखा था, ये कंटिन्यूअस डेटा लेता है, डिस्क्रीट डेटा लेता है। ये क्या करता है, फिजिकल वैल्यूज कैलकुलेट करता है, ये बाइनरी वैल्यूज करता है। इसकी लो एक्यूरेसी, इसकी हाई एक्यूरेसी, ये स्लोअर है, ये फास्टर है, ये स्पेसिफिक पर्पज पे है और ये जनरल पर्पज पे है। हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, ये थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर एक बार में होता है और इसमें टास्क बहुत ज्यादा बिलियंस और ट्रिलियंस में एप्लीकेशन एक साथ परफॉर्म हो सकती है विद इन अ सेकंड। और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हमने देखा था सनवे ट्यूलाइट कंप्यूटर जो कि चाइना का है। अब फिर हमने देखा था मिनी फ्रेम कंप्यूटर। मिनी फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, लार्ज साइज अमाउंट ऑफ स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर के लिए जाने जाते हैं। ये थोड़े हल्के होते हैं किससे, सुपर कंप्यूटर से। और ये कहां काम आता है, बिग बिजनेस में, इंश्योरेंस, रेलवे पे डेटा स्टोरेज के काम आते हैं। और एक मिनी फ्रेम कंप्यूटर डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल सर्वर्स का साइज लेते के चलता है। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये मिनी फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी हल्के होते हैं, तो इसलिए स्मॉल बिजनेस हाउसेस में यूज करे जाते हैं। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर इसे आराम से यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ये तीनों कंप्यूटर से हल्के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, जो कि पर्सनल यूज के लिए काम आते हैं, चीपेस्ट होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर पे बेस्ड होते हैं। और सीपीयू एज अ माइक्रो प्रोसेसर इनमें यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, ब्रांड में आईबीएम पीसी, आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर। आईबीएम पीसी फर्स्ट पॉपुलर कमर्शियल पीसी है जो कि किसने डेवलप किया था, आईबीएम कॉर्पोरेशन। और आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर के ऑरिजिन 1980s में आया था ये, और आईबीएम पीसी एक्सटी 80 ये तीनों क्या है, इस चीज से सिमिलर है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल पे कौन से होते हैं, एक्सटी 80 ये क्या यूज करता है, 8080, 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 4.77 मेगाहर्ट्ज़। 80 क्या होता है, जो कि यूज करता है 80286, 80386 और 80486 सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट होती है, मोर देन 2 गीगाहर्ट्ज़। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर देखे थे। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं, हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप, और स्पेशल पर्पस कौन से होते हैं, हमारे मोबाइल फोन, पाम टॉप, लैपटॉप। जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम के लिए, हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फंक्शन यूज होते हैं, जबकि इसमें एक ही फंक्शन यूज किया जाता है। इसमें क्या, ये क्या है, जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या, अप्रोप्रिएट ऐप और एक रिक्वायर्ड टाइम चाहिए होता है अपने कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जबकि ये क्या होता है, ये ओनली वन टास्क ही परफॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल ही आएगी, तो स्टे ट्यून, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।